राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने के फैसले के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया जारी है। कांग्रेस ने कहा है कि इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। हम अति क्रांतिकारिता के चक्कर में एक एडवेंचरिज्म का अप्रोच लेकर के हम बहुत बड़ा नुकसान कर बैठे हैं, और इस दृष्टि से देखने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस निर्णय से पूरी तरह असहमत है। हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन विरोधी दल भाजपा ने बड़े सधे अंदाज में बयान देते हुए कहा कि उनकी पार्टी हमेशा से पारदर्शिता में विश्वास रखती है। हम शुचिता और पारदर्शिता के कोई भी मानदंड है, हम उसमें खरा उतरते हैं हमेशा, और हम हमेशा उसका पालन करते हैं। और जो भी कोई नियम होगा, कानून होगा, वो सभी दलों पर बराबर लागू होगा, और जब जो भी लागू होगा हम उसका पालन करेंगे। सीपीआई ने भी इस पर सख्त एतराज जताया है। डिसीजन मैंने देखा, काफी उसमें पहलू है, बहुत सोचना पड़ेगा। मैं खुद, पार्टियां जो है जनता के बीच में काम करती है, जनता की पार्टियां हैं, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इस बात को मैं मानता हूं। जनता को हम अकाउंटेबल हैं, उनको हक है जानने का हमारे बारे में, इसलिए मैं हमारे अकाउंट्स भी जो है जनता के सामने पेश करने के लिए तैयार हूँ। मगर मैंने जो देखा सरसरी निगाह से, इसमें तो बहुत पहलू है, कई बातें कही गई, इसको तो चैलेंज करना पड़ेगा। इसलिए जो सीआईसी ने कहा है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। सीआईसी ने जिन 6 दलों को इसके दायरे में लाने का आदेश दिया है उसमें फिलहाल जनता दल यूनाइटेड शामिल नहीं है, लेकिन मौका राजनीतिक बिरादरी का है तो शरद यादव भी भड़क उठे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल कोई परचून की दुकान नहीं है। ये सीआईसी ने जो फैसला दिया है, एक तरह से पार्लियामेंट के भीतर साफ हो गया था कि पार्टियां इसके अंदर नहीं रहेंगी, और सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिए, जो यानी सीआईसी ने जो फैसला किया है ये उनके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। तो ये बिल्कुल, मैं इसका बहुत यानी इसका घोर विरोध करता हूं। सीआईसी के आदेश के बाद राजनीतिक दलों में घबराहट तो बढ़ी ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ दल इसका खुलेआम तो कुछ सधे और सतर्क अंदाज में विरोध कर रहे हैं। पार्टियों को सबसे ज्यादा ऐतराज इस बात से है कि अगर टिकट बंटवारे और घोषणा पत्र जैसे गंभीर मामलों पर आरटीआई पढ़ने लगेगी तो उस स्थिति में पार्टी में लोकतंत्र और पारदर्शिता की बात करने का दावा करने वाले दलों की कहीं पोल न खुल जाए। अजय विक्रम सिंह, डीडी न्यूज।